Hey guys, good morning. आज सुबह हम लोग आए हैं थोड़ा सा गाड़ी क्लीन करने के लिए, तो फुल वॉश करेंगे अपना टाटा टियागो का। पूरा गंदा हो गया है गाड़ी। फुल क्लीनिंग करेंगे, मैट वैट निकाल के पूरा। गंदा हो गया था पूरा एकदम। पहले एयर से क्लीन किया जा रहा है, एयर क्लीनिंग, जितना भी धूल डस्ट है सब निकल जाएगा। वैसे इसके बाद हमारा अभी वैक्यूम से क्लीन हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर से। बहुत ही गंदा हो गया था गाड़ी, तो लेयर जैसे बैठ गया था। अभी गाड़ी ऊपर जा रहा है, अंडर बॉडी क्लीनिंग होगा, फिर उसके बाद ये बीच बीच में करना चाहिए, ताकि जो जितना भी मिट्टी विट्टी रहता है वो निकल जाए, नहीं तो बॉडी रस्टिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर नीचे आप क्लीन नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो जो गड़ा हुआ जो मड रहता है उसमें पानी जम के फिर करोशन होता है। तो कभी बीच बीच में अंडर बॉडी भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये है मेरा जो जहाँ पे मैं गाड़ी क्लीन करता हूँ, अच्छा खासा स्पेस है, काफ़ी बड़ा वाला वाटर वॉश स्टेशन है, स्प्लैश कार स्पा, सेरामिक कोटिंग वोटिंग भी करते हैं। आई हैव नॉट ट्राइड बट लोग करते हैं इधर, इंटीरियर क्लीनिंग वो सब भी करते हैं। गाड़ी को थोड़ा सा नीचे ले आए और टायर और मडगार्ड का जो पोर्शन है थोड़ा सा अच्छे से पानी वानी मारेंगे, ताकि उधर ही मिट्टी ज़्यादा जमा रहता है, तो उसको क्लीन करने के लिए। गाड़ी नीचे आ रहा है अभी, अभी बॉडी वॉश होगा। डोर का साइड्स धूल हो गया है पूरा। डिक्की के साइड में कोने में सब साफ करने के लिए। बॉडी वॉश चालू हो गया अपना। मेरा गाड़ी सेरामिक कोटिंग हुआ है, इसलिए पानी ठहरता नहीं है बॉडी पे, आप देख सकते हो।
पानी मारने के बाद फिर फोम मारेंगे, फोम मारने के बाद फिर ये कपड़ा मार के फिर उसके बाद फिर पानी से धोया जाएगा। फोम स्प्रे हो रहा है अभी, फोम फोम से कवर हो गया है। अभी ये कपड़ा मारेंगे, फिर उसके बाद वाटर वॉश होगा फिर से। पूरा कपड़ा बॉडी के चारों तरफ मार दिया गया है, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स मड टाइप का चीज़ रहता है वो कपड़े से निकल जाता है फिर से। अभी फिर वाटर वॉश होगा, उसके बाद पोछा लगाएंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट डैशबोर्ड पॉलिश करेंगे, खत्म। बॉनेट पे भी थोड़ा सा पानी मार रहे हैं साइड साइड से, जितना गंदा हो गया धूल। इंजन की तरफ हम लोग नहीं मारते हैं, बट साइड साइड से मैं मरवा देता हूँ। परफेक्ट, तो सेरेमिक कोटिंग हुआ है बोल कर देखो, पानी का देने के लिए दिखा रहे हैं। जैसे कि मैं बताया कि गाड़ी में हमेशा सर्विस सेंटर में ही क्लीन करता हूँ, वाटर वॉश करके क्लीन करवाता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं जैसे हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं गाड़ी क्लीन करने के लिए, वो एक ही बकेट में तीन चार गाड़ी भी धो देते हैं, एक बकेट में एक गाड़ी भी धो देते हैं, तो उनका कपड़ा साफ नहीं रहता है, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, सैंड पार्टिकल्स रहते हैं, जो कि पेंट को आपका ख़राब कर देता है, सोल मार्क्स आ जाते हैं। तो हमेशा यही है कि वाटर वॉश आप जब करवाते हो सर्विस सेंटर में ना, तो पहले वो पानी मारते हैं, पहले जो छोटा छोटा जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको निकाल देते हैं, फिर उसके बाद फोम डालते हैं, फिर उसके बाद फिर से वाटर वॉश करते हैं कपड़ा मार के, पहले कपड़ा नहीं मारते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका पेंट थोड़ा बचा रहता है, सोल मार्क्स जल्दी नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, भले ही मैं 15 दिन में एक महीने में एक बार वाटर वॉश करवाता हूँ गाड़ी, लेकिन मेरा पेंट जो है वो ज़्यादा दिन तक सही रहता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल पे डायरेक्टली मैं कपड़ा बिल्कुल ही नहीं मारता, वो सोल मार्क्स नहीं आता। तो इसलिए मेरा पेंट देखना, मेरा गाड़ी एक्सयूवी भी 7 साल है, सोल मार्क आपको मिलेगा ही नहीं। थोड़ा अगर आप कंप्यूट करते हो थोड़ा सा महंगा, ज़्यादा महंगा ही नहीं, क्योंकि वो अपार्टमेंट में आप देते हो तो 800-1000 रुपया दे देते हो, और इसमें भी क्या है कि एक दो बार अगर महीने में भी करते हो तो उतना ही आपको पड़ता है, तो ओवरऑल आपका पेंट बचा रहता है। तो मेरा तो यही मानना है कि वो वाटर वॉश जब आप करते हो तो पेंट का लास्टिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो पहले पानी मारते हैं वो सब करके फिर पोछा लगा के गाड़ी को देते हैं, तो क्लीन ही रहता है, और अंदर से नीचे जो बॉडी अंडर बॉडी में जितना मिट्टी डस्ट वस्ट पकड़ा रहता है वो रस्टिंग, उसको अगर आप पानी मार के साफ़ करवा देते हो तो रस्टिंग होने का चांसेस भी कम रहता है, तो पेंट बचा रहता है, गाड़ी का लाइफ भी ज़्यादा होता है, मतलब रस्टिंग कम होता है। तो वही है मेरा टिप्स आपके लिए। ये अभी पूरा धुल के आ गया, अभी पूरा अच्छे से वाइपिंग किया जाएगा इसको। बे में जाया जाएगा, अभी बे में जाके फिर अच्छे से पानी इसको निकाला जाएगा, फिर अंदर थोड़ा डैशबोर्ड पॉलिश होगा, फिर हम घर लेके जाएंगे अपने गाड़ी को। मैट हम वाटर वॉश नहीं किया तो इसको खाली गीले कपड़े से पोंछ दिया गया है, तो अच्छे से क्लीन हो गया है। जब गाड़ी वाइपिंग किया जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कपड़ा, कैसा कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो, साफ़ सुथरा कपड़ा ही यूज़ किया जाता है, तो इसलिए सर्विस सेंटर में मैं आता हूँ, क्योंकि वो कुछ सर्विस सेंटर में ऐसे ही वो पुराने वाले कपड़े ले लेते हैं, आजकल माइक्रोफाइबर अच्छा मिल जाता है, तो मोस्ट ऑफ़ द सर्विस सेंटर में आजकल माइक्रोफाइबर कपड़ा रखते हैं, और उसको क्लीन करके अगर रखते हैं तो वही कपड़ा ही यूज़ करना चाहिए।
जैसे देखो ये लोग पूरा एकदम सूखा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं क्लीन करने के लिए, तो उसमें भी डस्ट पार्टिकल अगर रहेगा तो बॉडी पे स्क्रैच आएगा। तो इसीलिए अच्छा कपड़ा यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पूरा वाइपिंग हो गया और थोड़ा थोड़ा जगह पे है अंदर ग्लास व्लास भी क्लीनिंग हो। पूरा हो गया है, अभी पॉलिश वॉलिश होगा, ग्लास क्लीन हो गया, थोड़ा बहुत पानी है, लाइट भी डल गया, इसका थोड़ा सा क्लीनिंग होना है। मैट भैया बढ़िया से डाले हैं एकदम, हमेशा मेरे को निकाल के डालना पड़ता है भैया, पर एकदम परफेक्टली डाले, स्पेसिफिकली ये ड्राइवर सीट वाला मैट। पूरा अच्छे से क्लीन हो गया, अभी डैशबोर्ड थोड़ा सा पॉलिश कर लेंगे। शोले सब लग गया, अभी मैट डल रहा है, अभी अपना काम खत्म। डैशबोर्ड एकदम मस्त से पॉलिश हो गया, तो चेकआउट करो टायर पॉलिश। गाड़ी पूरा क्लीन हो गया, देखो चेकआउट कर लो। चलो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आप लोग देख लिए कि गाड़ी कितना साफ सुथरा हो गया अभी हमारा, और अभी गाड़ी में बैठने के लिए अच्छा लगता है, गाड़ी धुलवाने के बाद ना तो गाड़ी में बैठ के चलाने में भी मज़ा आता है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लो। अंटिल आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ सैबी साइनिंग ऑफ, पीस।